नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल। मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाती रहूंगी। तो उपभोक्ता अदालत ने फोन रिपेयरिंग की सेवा में कमी के लिए वन प्लस सर्विस सेंटर पर लगाया जुर्माना। एक हालिया फैसले में रेवाड़ी जिले में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने मोबाइल फोन की देरी से मरम्मत के लिए एक उपभोक्ता को मुआवजे देने के लिए एक अनिवार्य आदेश जारी किया। भीम सिंह बनाम वन प्लस एक्सक्लूसिव सर्विस सेंटर मामले में सर्विस सेंटर द्वारा सेवा में कमी के आरोप शामिल थे। शिकायतकर्ता भीम सिंह ने रुपए में वन प्लस 60 नंबर का जो है मोबाइल खरीदा था नवंबर 2018 में 45,999 रुपए का। जब इस्तेमाल के दौरान फोन में खराबी आ गई तो वह मरम्मत के लिए वन प्लस एक्सक्लूसिव सर्विस सेंटर पहुंचे। सर्विस सेंटर ने रुपए की मांग की मरम्मत के लिए 2,000 रुपए और भीम सिंह ने विधिवत राशि का भुगतान किया। फोन को ब्लू डार्ट कोरियर के माध्यम से सेवा केंद्र में भेजा गया था, लेकिन दुर्भाग्य से मरम्मत के बाद फोन उसे वापस नहीं किया गया, जिससे उपभोक्ता को शिकायत हुई। शिकायत के जवाब में विपक्षी पार्टी ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता ने 4 साल तक बिना किसी समस्या के मोबाइल सेट का इस्तेमाल किया था और फोन को नुकसान भारी कारणों से हुआ था। ओपी ने यह भी दावा किया कि फोन वापस करने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन पता जो था वो गलत था और इस चक्कर में बाधा आई। फैसले में श्री संजय कुमार खंडूजा अध्यक्ष और श्री राजन पार्षद सदस्य ने जिला उपभोक्ता निवारण आयोग ने शिकायतकर्ता श्री भीम सिंह के पक्ष में पाया जो फैसला था। आयोग ने अध्यक्ष श्री संजय कुमार खंडूजा ने अपने फैसले में कहा, दिलचस्प और चौंकाने वाली बात यह है कि उक्त अनुल्लंघनों को उत्तर के साथ संलग्न नहीं किया गया है, जो मामले में ओपी की उदासीनता लापरवाही को दर्शाता है। आगे कहा कि अधूरे पते के कारण विफल डिलीवरी के ओपी के दावे जो है निराधार है। आयोग ने ओपी को 30 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता को मोबाइल फोन वापस करने का आदेश दिया। इसके अलावा उन्होंने ओपी को रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया। श्री भीम सिंह को 20,000 रुपए, जिससे मानसिक परेशानी हुई, मुकदमेबाजी में जो खर्च हुआ, प्रतिपूर्ति शामिल है। इस मुआवजे पर शिकायत दर्ज करने की तारीख से आदेश की तारीख तक, ये है 1 महीने की समाप्ति तक, 9% की प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा। इसके साथ आदेश का पालन नहीं करने पर ब्याज दर 12% सालाना हो जाएगी। आदेश में यह भी चेतावनी दी गई कि अनुपालन में विफलता के कारण अगर इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 71 के तहत निष्पादन याचिका दायर की जा सकती है। ऐसी स्थिति में ओपी को अधिनियम के धारा 72 के तहत अभियोजन का सामना करना पड़ सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप कारावास या जुर्माना भी हो सकता है। जो केस का टाइटल है भीम सिंह बनाम वन प्लस एक्सक्लूसिव सर्विस सेंटर, केस नंबर है उपभोक्ता शिकायत नंबर 2022 का 435। बेंच है श्री संजय कुमार खंडूजा अध्यक्ष और श्री राजन पार्षद सदस्य, और जो आदेश है 26/9/2023 का है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियो, मेरी 1000 से ऊपर वीडियो हैं, तो आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।